हर दिन कुछ नया। मनोज मुंतशिर का बोलवानी, उनका कहना है कि आदि पुरुष में जो हनुमान जी का डायलॉग था वो उन्होंने खुद से लिखा नहीं, बल्कि उनको कई कथावाचक से सुनने मिला था और फिर उनको ये डायलॉग बहुत ही पसंद आता, जिसके चलते उन्होंने ये आदि पुरुष में हनुमान जी को चिपका दिया। पब्लिक का कहना यही है, भगवान के लिए भगवान को इससे दूर रखो वरना कहीं का नहीं रहोगे। पब्लिक लपट लेना शुरू करेगा तो भाई कहीं का नहीं छोड़ेगा। न्यू पीढ़ी के सामने नया तरीके से रामायण को प्रेजेंट करने के चक्कर में सीता माँ को शोल्डरलेस कपड़ा में आपने दिखाया। सेकेंड है, विभीषण के बीबी को कपड़े के पल्लू संभालने के लिए इस तरह से शॉर्ट प्रेजेंट करना जरूरी था क्या? ओम राव जी, लॉर्ड राम पर फिल्म बनाने के लिए आपको ऐसा सीन डालना जरूरी था क्या? जब पब्लिक इसके बारे में आवाज उठाने लगे तो पब्लिक को आप गलत साबित करने के लिए कश्ती चलाया जा रहा है। और जब ये फिल्म का पहला टीजर आया था तब पब्लिक इसे पसंद नहीं किया था, तब आपका क्या बोलना था? भाई फिल्म के खिलाफ साजिश चल रहा है, नेगेटिविटी थॉट फैलाया जा रहा है। और आज हर एक दिन हर एक न्यूज चैनल में अलग अलग आप पॉलिटिकल बॉलबनी दे जा रहे हो यार। उसके बाद आपने क्या किया? फिल्म से जुड़ी जितने नेगेटिव खबर है सब सोशल मीडिया से आपने हटा दिया, चाहे न्यूज चैनल हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, भाई हर जगह से जितना नेगेटिव खबर है ना सबको हटा दिया, फिर स्ट्राइक लगा दिया। उसके बाद जितने सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार हो सबको सामने प्रेजेंट कर दिया कि बोलो भाई हमारी फिल्म बहुत अच्छा है, क्योंकि पीछे टीसी रिलीज कराया, पैसे की थोड़ी कमी है। और फिर फिल्म रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद हनुमान जी का डायलॉग पर बहुत विवाद हुआ। उस पर राइटर जी सामने और बोलने लगे हनुमान जी थोड़ी भगवान है, वो तो राम जी का भक्त है, हम सब ने मिलकर हनुमान जी को भगवान बनाया, मतलब भगवान के कुर्सी पे बिठाया। वाह वाह क्या बोलवानी था यार। फिर अब कहने लगे पब्लिक मुद्दे को भटका रहा है, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार सफाई देने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है, आप अपने फायदे के लिए रियल और फिक्शनल को कॉकटेल बनाने की कोशिश ही मत करो। आप राम भगवान को इंद्रजीत के सामने हार का सामना करवा रहे हो, और राम भगवान और रावण का युद्ध का जो टोटली कॉन्सेप्ट है वो तो आपने बदल के रख दिया यार। सोने की लंका की तो आपने पूरा काली का लंका बना दिया, माता सबरी का बात तो छोड़ो, वो तो अपने मजाक बना के रख दिया, चाहे इंद्रजीत हो या फिर हनुमान जी, पूरा रामायण का हिस्ट्री आपने बदल के रख दिया यार। उमराव जी व्हाट ए ग्रेट आइडिया, चाहे वो कैरेक्टर की ड्रेस हो या फिर संजीवनी बूटी या फिर लक्ष्मण जी का पुनर्जीव वाला सीन, भाई हर एक सीन ना दिमाग हिला के रख दिया भाई साहब। और इस फिल्म का डायलॉग लाइफ टाइम तक मीम बनता ही रहेगा, और सालों साल ये डायलॉग याद रहते ही रहेगा कि हनुमान जी ने हमें ऐसे डायलॉग बोला था, वाह वाह, और डायरेक्टर कौन था। लेकिन इस फिल्म का एक और बड़ी गलती है, जो जितना गलती डायरेक्टर राइटर के उतना ही एक्टर के है। क्यों हम प्रभास को ट्रोल नहीं कर रहे, क्यों प्रभास के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? ये चीज जिनके बॉलीवुड में कोई एक्टर और एक्ट्रेस होता तो भाई डायरेक्टर को छोड़ के हम एक्टर और एक्ट्रेस के पीछे पड़ जाते। इसको लेके मेरा नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा, आजकल के अंदर जरूर देखते रहिए।